ओके दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या आप एक ऑलरेडी ब्लॉगर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ उसे ग्रेजुअली ग्रो कैसे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूँ कॉन्टेंट क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके पास एक यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास यूट्यूब अकाउंट नहीं है, आपको नहीं पता है कि यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास जो कुछ है, दोस्तों आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो गैजेट्स हैं उन्हीं के साथ आपको अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपके पास महंगा DSLR कैमरा होना चाहिए, अच्छे गिम्बल्स होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए वीडियो एडिट करने के लिए। इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपल एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो उससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन प्रेजेंट टाइम में आप जितने ब्लॉगर्स को देख रहे हो, सारे लोग अपने फ़ोन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। इवन मुंबई का निखिल, जो इंडिया का सबसे नंबर वन ब्लॉगर है, उन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब तो एक एंड्रॉयड फ़ोन से ही की थी। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके एंड्रॉयड कैमरे की क्वालिटी कम अच्छी है तो आप ओपन कैमरा का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको थोड़ा सी क्वालिटी बेटर मिलेगी। उसके साथ साथ आपको अपने वीडियोज़ में स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप प्रैक्टिस। आपको अपने वीडियोस की डेली प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूटी के साथ आपको अपने वीडियो की डेली प्रैक्टिस करना है। क्योंकि दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी। मोर प्रैक्टिस मोर प्रोग्रेस। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है, कीप इट शॉर्ट। आपको स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग की लेंथ को शॉर्ट रखना है। मैक्सिमम आपको 5 मिनट के वीडियोस बनाना है, उसके ऊपर के वीडियोस स्टार्टिंग में मत बनाओ। क्योंकि दोस्तों आपको कोई जानता नहीं है तो इसलिए आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती है। अब जैसे जैसे आपकी ऑडियो रिटेंशन और एवरेज व्यूज टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप अपने वीडियो की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एज अ डिमांड। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों कि ब्लॉग स्पेसिफिक सर्चेबल पॉइंट। आपको ऐसे ब्लॉग कट क्रिएट करना है जो कि सर्च किए जाते हो। आपको ऐसे टाइटल्स डालना है जो कि सर्च किए जाते हो। ये नहीं किसी बड़े ब्लॉगर को देखकर वो जैसे डालते हैं कि आज हम घर से बाहर गए, आज हम यहाँ गए। वो अपने डेली लाइफ की एक लाइन डाल देते हैं लेकिन उनका वीडियो चलता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है देखने वाली। 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके देखने वाले, तो उनका वीडियो चल जाता है। लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर होंगे, तो आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनाना है जो कि सर्च में आते हों, ठीक है ना। आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा कीवर्ड सर्च में है, से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइव्थ एंड लास्ट पॉइंट की। दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन ये सभी क्रिएटर और सभी ब्लॉगर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको अपने ब्लॉग में फन क्रिएट करना है। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि अपने ब्लॉग में फ़न क्रिएट करो, उसके साथ साथ बी एक्साइटेड। आप जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे एक्साइटेड लेवल आपका हाई होना चाहिए, जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है, जो आपको देख रही है, वो आपको पसंद करे, आपके साथ इंगेज कर सके। दोस्तों अगर आप इन 4-5 पॉइंट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रेजुअली ग्रो करेगा। मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताया हूँ कि जो कि केवल और केवल एक्सपर्ट आके बोल दिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। आप इन्हें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Have a smile.